हम थोड़ा पीछे चलते हैं, जब भारत आज़ाद हुआ था। इसका आज़ादी से कुछ लेना देना है नहीं, बट उस टाइम की बात है, 1950s के अराउंड। ये वो टाइम था जब कैपिटलिज्म की शुरुआत हो रही थी, एंड इसी टाइम प्रोडक्शन कंसेप्ट हवा में आया, क्योंकि उस टाइम मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही थी एंड उसमें एफिशिएंसी ढूंढी जा रही थी। प्रोडक्शन कंसेप्ट को थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए भी दी गई क्योंकि सेल्स लॉज को लोग पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। अब इस लॉ में कहा गया कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इसका सीधा सीधा मतलब, अगर कोई प्रोडक्ट बनेगा तो उसको कोई ना कोई खरीदने वाला भी ज़रूर होगा, क्योंकि उस टाइम ओवरऑल प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो जिसने जैसा बनाया लोगों ने खरीद लिया। अब चीज़ें थोड़ी बदल चुकी हैं, क्योंकि ये कहना कि प्रोडक्शन कंसेप्ट वीक हो चुका है एंड अब बात सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में होती है, ये कहना भी गलत होगा। तो हम प्रोडक्शन कंसेप्ट को कुछ ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेच पाएंगे, तो हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर सकते हैं, मतलब कॉस्ट पर प्रोडक्ट कम हो जाएगी जिससे प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी एग्जांपल चाइना। चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों है? क्योंकि यहाँ हर चीज़ मास प्रोडक्शन में बनती है धड़ाधड़। आज चाइना दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो यही था आज का टॉपिक, प्रोडक्शन कंसेप्ट। जहाँ एक तरफ बात की गई कि आप मास प्रोडक्शन करें, वहीं उसके सामने एक और कंसेप्ट है कि अगर आप कम प्रोडक्ट्स बनाएं लेकिन बेहतर प्रोडक्ट्स बनाएं, तो आप उन्हीं प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा मार्जिन ले सकते हैं। ये कहना गलत होगा कि प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन कंसेप्ट्स कंट्राडिक्टरी हैं, बट जो सोच होती है किसी चीज़ को बनाने से पहले, वो बहुत कुछ डिफाइन करती है कि आपका प्रोडक्ट कैसा होगा, लाखों में एक होगा या लाखों जैसा एक होगा। प्रोडक्ट कंसेप्ट में आपको लाखों में एक प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट कंसेप्ट की हेल्प से एक कंपनी एक प्रोडक्ट को आइडेंटिटी दे सकती है, एक फंक्शनल वैल्यू दे सकती है, ताकि कस्टमर उस बेनिफिट को देख के समझ के प्रोडक्ट को परचेज करें। एक बढ़िया प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए इनोवेशन, राइट? ताकि न्यू फीचर्स ऐड किए जा सकें जो कस्टमर्स को पसंद हों। एंड मार्केटिंग भी यही है ना, आपको कस्टमर्स की नीड को समझना है एंड अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस से सेटिस्फाई करना है। एग्जाम्पल्स इसके हर कहीं देख लो। जिस प्रोडक्ट को नाम से जानते हैं वो प्रोडक्ट कंसेप्ट से ही आया है, ये चाहे मैगी नूडल हो या जिलेट का रेजर। लेकिन एप्पल एक ऐसी कंपनी है जिसका फोकस हमेशा से इनोवेशन से लेकर क्वालिटी सेफ्टी पर रहा है। यही रीज़न है कि एप्पल प्रोडक्ट्स की मार्केट में इतनी डिमांड है, हाइप है। हेलो, नमस्कार। तो आज हम करेंगे सेलिंग कंसेप्ट, लेकिन उसको समझने से पहले हम पहले प्रोडक्शन कंसेप्ट को किया, जिसमें बताया गया कि आप प्रोडक्ट बनाओ और खरीदने वाला कोई ना कोई होगा। और साथ में जब हमने प्रोडक्ट कंसेप्ट किया तो हमने बोला कि प्रोडक्ट की स्पेशलिटी पे काम करो, प्रोडक्ट को इतना बेहतर बनाओ कि लोग आपका प्रोडक्ट खुद खरीदने आए। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपका जो कस्टमर है वो सोया पड़ा है, मतलब उसको पता नहीं आपने क्या बनाया है। तो आपको बताना पड़ेगा, उसको जगाना पड़ेगा। तो आप जगाओगे कैसे, उसको बताओगे कैसे जो कस्टमर इनर्ट पड़ा है, जिसको पता नहीं है, जो अवेयर नहीं है? तो यहीं पर हमारा सेलिंग कंसेप्ट आता है। सेलिंग कंसेप्ट में हम कस्टमर को परसुएट करते हैं परचेज़ के लिए। हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, मार्केटिंग कैंपेन्स चलाते हैं ताकि कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चले, अवेयरनेस हो, ताकि वो कल को उसको खरीदे या उसी दिन खरीदे, जब भी खरीदे। यूजुअली सेलिंग कंसेप्ट उन केसेस में देखा जाता है जहाँ पे हम अनसॉर्ट गुड्स की बात करते हैं। अनसॉर्ट गुड्स जिनको लोग कम खरीदते हैं, जिनके बारे में पता नहीं होता है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स, वैक्यूम क्लीनर्स, इंश्योरेंस, जिनमें कस्टमर को परसुएट करना पड़ता है। लेकिन आज के टाइम में जब कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, तो एडवर्टीजमेंट प्रमोशन करना कंपलसरी सा हो गया है। इसलिए हम सेलिंग कंसेप्ट को हर कहीं देखते हैं कि आपको एड्स दिख रही हैं, हर कहीं लोग डायरेक्ट सेलिंग करते दिख रहे हैं, पर्सनल सेलिंग करते दिख रहे हैं। इसका रीज़न यही है कि कंपटीशन बढ़ गया है और अपने प्रोडक्ट को आगे दिखाने के लिए, बेहतर दिखाने के लिए, क्योंकि मार्केट में हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं, आपको सेलिंग कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें एक सिनारियो ऐसा भी आता है कि हम कस्टमर को परसुएट करते हैं और हम अज्यूम करते हैं कि उसने प्रोडक्ट लेना होगा तो वो ले लेगा, और अगर नहीं लेगा और डिससेटिस्फाइड होगा तो किसी को बताएगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो पर्सन डिससेटिस्फाइड होता है वो हर किसी को बताता है, और सोशल मीडिया के ज़माने में एक बैड प्रमोशन आपकी कंपनी की रेपुटेशन को ख़राब कर सकती है। तो सेलिंग कंसेप्ट बहुत ही नेसेसरी है आज के मार्केटिंग में, लेकिन उसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हो, उसकी एप्लीकेशन कैसे करते हो,
उसका यूज़ कैसे करते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस कैसे फैलाते हो, उसका ख्याल आपको रखना पड़ेगा अच्छे से। तो जब हम मार्केटिंग थॉट्स में एवोल्यूशन की बात करते हैं कि कैसे पहले प्रोडक्शन कंसेप्ट आया जिसमें हमने बात की कि आप कुछ भी बनाओ खरीदने वाला होगा कोई ना कोई, फिर उसके बाद प्रोडक्ट कंसेप्ट आया कि हाँ जो बनाओ बढ़िया से बनाओ ताकि आपके प्रोडक्ट की डिमांड हो, फिर थर्ड कंसेप्ट है सेलिंग कंसेप्ट कि आपने बना तो लिया है प्रोडक्ट लेकिन उसको कस्टमर तक पहुँचाने के लिए कस्टमर को परसुएट करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हो रही थी पहले, हम सीखते हैं ना चीज़ों को होते होते, हाँ ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। अच्छा फिर हुआ क्या टाइम के साथ, कंपटीशन लगा बढ़ने, मैन्युफैक्चरर बढ़ने लगे, सर्विस प्रोवाइडर्स भी बढ़ने लगे, तो हुआ क्या कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ने से कंज्यूमर को कस्टमर को ऑप्शन ज़्यादा मिलने लगे, अब जो कस्टमर होगा वो इवेल्यूएट करेगा, तो हुआ क्या जो मार्केटिंग थॉट है उसमें भी एवोल्यूशन आया, उसमें भी सोचने का नज़रिया बदला। तो जो फिलिप कॉटलर थे जिनको फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग भी कहते हैं, उन्होंने समझा कि जो मार्केटिंग है ये चीज़ों को बेचना बनाना नहीं है, आपको कस्टमर के पास जाके उसकी नीड को समझना होगा, उसको क्या चाहिए, उसकी लाइफ में आप वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे, उस चीज़ को समझ के आप अपना प्रोडक्ट बनाएंगे या फिर कस्टमर को वो सर्व करेंगे डिलीवर करेंगे। तो जो फिलिप कॉटलर ने पहली डेफिनेशन दी थी कि मार्केटिंग इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द कस्टमर एंड देन सेटिस्फाइंग देम, मार्केटिंग थॉट उसके अराउंड घूमता है कि कैसे आप कस्टमर की नीड को समझते हो और फिर उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हो, केटर करते हो कस्टमर को और उसकी लाइफ में वैल्यूएशन होता है और उसके बेसिस पे आप जो प्रॉफिट कमाते हो वो आपका है ऑब्वियसली। तो यही है आपका मार्केटिंग स्नैप कि आपने चीज़ों को उस तरीके से बनाना है, कस्टमर को समझना है, कस्टमर से मिलना है। जहाँ पे पहले बात होती थी कि आप अपना प्रोडक्ट बना लो फिर देखेंगे कि हाँ ठीक है हमने ज़्यादा बनाया है अच्छा बनाया है, हमने बना लिया है बस बेचने से मतलब है, हाँ प्रमोशन कर देंगे वैसा कर देंगे, वो चीज़ ख़त्म होती चली गई। क्यों? क्योंकि जब कस्टमर के पास ऑप्शंस होंगे ना तो वो सोचेगा कि हाँ ठीक है मैं ये भी तो ले सकता हूँ वो भी ले सकता हूँ। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो मार्केट में गैप होता है उसको फिल करते हैं। गैप क्या होता है, जो डिमांड हो रही होती है वो फिल नहीं हो रही होती, कस्टमर अनसेटिस्फाइड होता है कहीं ना कहीं से, तो एक एंटरप्रेन्योर आता है उस नीड को समझता है और उसको फुलफिल करता है। तो आजकल जितने भी नए स्टार्टअप्स हैं वो इसी के अराउंड घूमते हैं, या पहले नीड, जो बढ़िया वाले स्टार्टअप हैं आप नीड को समझते हो और वो प्रोडक्ट लेके आते हो। बायजूस भी वैसा ही है, आपको एजुकेशन में रेवोल्यूशन चाहिए था, आपको घर घर एजुकेशन पहुंचानी है, बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन, हो सकता है कि रूरल एरियाज़ में हो सकता है ये है। अब जैसे रूरल एरियाज़ में एजुकेशन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन इंटरनेट पहुँच चुका है, तो जो बायजूस पे यूट्यूब पे भी जो बढ़िया ट्यूटर्स होंगे, जो बढ़िया आईएम्स में भी पढ़ाते होंगे, वो घर पर पढ़ा पा रहे हैं, राइट? तो यही है मार्केटिंग कंसेप्ट, आप नीड को समझते हो और उसके नीड के हिसाब से कस्टमर को वो प्रोडक्ट या सर्विस केटर करते हो ताकि उसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन हो सके। From the moment we wake up in the morning until we go to the bed at night, we are bombarded by marketing messages. Everywhere we look, there is an advertisement, a logo, or a product trying to catch our attention and influence our purchasing decisions. Marketing has become an integral part of our daily lives, and it is not just about selling products. It is also about shaping our values, beliefs, and behaviors. This is where the societal concept of marketing comes into play. Over the years, the concept of marketing has undergone several transformations. In the past, marketing was primarily focused on product promotion with the objective of attracting as many customers as possible. However, as consumer behavior and preferences changed, so did the approach to marketing. Today, we see a shift towards the relationship building and consumer engagement with a focus on creating a meaningful connection between the brand and its customers. This evolution is evident in a way brands communicate with their customers. In the 1950s, television commercials were all about showcasing the product's features and benefits. Fast forward to today, and we see a much more personalized approach with brands using social media, influencer marketing, and other digital channels to engage with their customers. According to the societal marketing concept, marketing should not be only concerned with maximizing profits, but also fulfilling the needs and customers of consumers.
while also considering the impact that marketing activities have on the well-being of society and the environment. In other words, the goal of marketing should be to create long-term customer satisfaction and value while also contributing to the betterment of society and the environment. Let's look at a few real-world examples of successful and unsuccessful marketing campaigns to see the impact that marketing can have. First, we will look at a successful marketing campaign, the Just Do It campaign by Nike. Nike's Just Do It slogan has become one of the most recognizable phrases in the world and has helped to establish the company as a leader in athletic footwear and apparel market. The slogan speaks to people's desire for self-improvement and encourages them to push themselves to be their best. On the other hand, we have an example of unsuccessful marketing campaign, Pepsi's Live For Now campaign. The campaign featured Kendall Jenner leaving a photo shoot to join a protest and hand a Pepsi to a police officer. The ad was criticized for trivializing the Black Lives Matter movement and using a serious issue for commercial gain. The campaign was eventually pulled and Pepsi issued an apology for any offense caused. Now let's talk about the ethics surrounding marketing. There is a growing concern about the way companies use psychological tactics to manipulate consumers into buying products. For example, companies might use fear-mongering tactics to make people believe that they need a particular product for their safety and well-being. Companies may also be misleading information to make false claims about their products to entice consumers. To combat these unethical practices, several countries have established laws and regulations to govern marketing industry. For example, the Federal Trade Commission in USA regulates false and misleading advertising. Companies that violate these laws can face penalties, including fines and legal action. In conclusion, marketing has a significant impact on society and the way we perceive and consume products and services. While marketing can be a powerful tool for companies to sell their products, it is important for companies to be transparent and ethical in their marketing practices. By being aware of the ways in which marketing influences us, we can make more informed decisions about the products and services we choose to buy. So that's it for this video, and thank you for watching. We hope that you have gained a better understanding of the societal concept of marketing and its implications. If you have any questions or comments, please feel free to leave them in the comment section below, and don't forget to subscribe for more informative videos. Thank you. See you next time. Bye bye.